तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एस पी जीवन मंत्रा में दोस्तों यदि आप अभी नए आए हैं आप लोगों से एक गुजारिश जरूर है हाथ जोड़ कर एक प्रार्थना है विनती है दोस्तों यदि आप अभी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं अभी नए आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले हमारे चैनल को आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएँ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों ये जरूर दबाइए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत तत्काल मिल जाए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक बनना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा एक चैनल आपका अपना चैनल फिटनेस का चैनल फिटनेस ब्यूटी और लाइफ का चैनल आपको वहाँ पर एक से एक वीडियो फिटनेस से रिलेटेड मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड मिलेंगे तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना प्यारा चैनल सूर्य फिटनेस चोन दोस्तों आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बुक्स का बहुत बड़ा महत्व तो होता है दोस्तों हम सबसे एक आग्रह करने चाहते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में यदि सफल होना है दोस्तों जो भी बड़े चाहे वो बिल गेट्स हों चाहे वो टाटा हों चाहे वो अब्दुल कलाम जी हों चाहे वो जो भी हो चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो हों जो भी है हर किसी का जीवन का एक हिस्सा था वो है बुक पढ़ने का उनका एक टारगेट था उनका एक गोल था उनका एक लक्ष्य था कि एक दिन में कुछ नहीं तो एक घंटे ही सही बुक्स को पढ़ना ज़रूर है दोस्तों इसी आदत के कारण आज वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गिने जाते हैं दोस्तों चाहे वो आप सब जानते हैं चाहे वो टाटा हों मार्क जुकरबर्ग हों बिलगेट्स हों जो भी जिन भी महान हस्तियों का मैंने नाम लिया इन सभी को एक आदत थी वो बुक्स पढ़ने की दोस्तों आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो बुक वास्तव में एक अद्भुत बुक है दोस्तों आपकी अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा ये काम मेरे से नहीं होगा ये गलियां या चौबारा यहाँ आना ना दोबारा यानी आप मन में डर है किसी काम को करने से पहले किसी काम को शुरू करने से पहले दोस्तों, इस बुक का मैं दो पार्ट और बनाने वाला हूं पूरी समरी आपको देने वाला हूं दोस्तों अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इसके बारे में एक एक चीजें मैं आज, आज आपको बताने वाला हूं पार्ट वन में जरूर सुनिए तो दोस्तों यह बुक है इस बुक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों चलिए इस बुक के बारे में आपको बताता हूं दोस्तों ये बुक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है उस स्टोरी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों एक कंपनी के ऑनर होते हैं एक बड़े सभा हॉल में एक बड़े सभागार में एक पार्टी आयोजित की जाती है वहां पर सभी सेल्समैन और कंपनी के ऑनर रहते हैं स्टेज पर उस साल का सबसे अधिक बिजनेस करने वाला सबसे अधिक सेल्स करने वाला सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला सेल्समैन भी होता है और वो ऑनर के साथ स्टेज शेयर कर रहा होता है दोस्तों उसने उस साल तकरीबन साठ हजार डॉलर का बिजनेस किया था साठ हजार डॉलर का जी हाँ दोस्तों और बाकी सब ने औसतन बारह हजार डॉलर का बिजनेस किया था लगभग पांच गुना अधिक बिजनेस उसने किया था दोस्तों देखने में भी वो व्यक्ति साधारण ही लग रहा था दोस्तों जब ऑनर ने कंपनी के ऑनर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा आप इन्हें देखिए आप इन्हें देखिए उनका नाम था डेविड उन्होंने कहा आप डेबिट को देखिए इन्हें क्या ये आप लोगों से अलग दिखते हैं क्या इनकी पर्सनालिटी आप लोगों से अधिक है क्या ये आप लोगों से ज़्यादा शिक्षित है नहीं क्या इनकी पर्सनालिटी आप लोगों से कई गुना अधिक है जी नहीं क्या ये आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जी नहीं क्या ये जिस एरिए में जिस मोहल्ले में अपना बिजनेस करते थे वो मोहल्ला आप लोगों के मोहल्लों से अधिक संपन्न है ऐसा भी नहीं है और दोस्तों फिर है क्या क्या इन्होंने आप लोगों से बहुत अधिक मेहनत की तो उन्हें इस बार भी कहना पड़ा जी नहीं तो फिर ऐसा क्या था उस व्यक्ति में जिससे उसने कई गुना यानी पांच गुना ज्यादा बिजनेस किया था दोस्तों उसकी सोच अब आप कहेंगे यदि सोच से ही बिजनेस बढ़ाया जा सकता है यदि बड़ी सोच से ही बिजनेस बढ़ाया जा सकता है तो बहुत से लोग बड़ी सोच रख सकते हैं बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बड़ी सोच सोच सकते हैं क्या ऐसा संभव है दोस्तों हमारे आसपास का माहौल अब दोस्तों सब ने यह सोचा कि फिर ऐसा हुआ कैसे हमारे आसपास के माहौल से दोस्तों दोस्तों जिस तरह से हम जहाँ पर रहते हैं उस तरह हमें हर व्यक्ति लगभग 99% परसेंट हमारे आसपास के लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि वो हमें सेकेंड क्लास में ढकेलने की कोशिश करते हैं अगर आप फर्स्ट क्लास में ज... पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको धीरे धीरे सेकेंड क्लास की तरफ ढकेलने की पूरी कोशिश करेंगे हर तरह से हर संभव प्रयास करेंगे कि आप सेकेंड क्लास में रहो क्योंकि आप उनकी बराबरी ना कर पाओ ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं लेकिन दोस्तों आपको अपनी सोच को बदलना होगा दोस्तों नब्बे परसेंट लोग आपको यही समझाएंगे कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है आराम से पड़े रहो और मरने का इंतज़ार करो अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको जरूर मिलेगा लेकिन ये दोस्तों एक कोरा मिथ्या है आप बार बार भले कोशिश कर लें ये लेकिन एक ये मिथ्या है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कर्म भाग्य से पचास गुना अधिक होता है कर्म का प्रतिशत भाग्य से फिफ्टी परसेंट अधिक होता है हमारा कर्म भाग्य से पचास परसेंट अधिक शक्तिशाली है तो दोस्तों इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए आपको लोग भले कुछ भी कहें लेकिन आपके कर्म से ही आपका भाग्य निर्माण होता है इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा लोगों की बातें बहुत तरीके से आएंगी बहुत कुछ लोग कहेंगे आपको तरह तरह के उदाहरण देंगे कि आप गिरें दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इस बुक का पूरी समरी हम आपके साथ शेयर करें तो कमेंट जरूर करिएगा आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना अपने पड़ोसियों का खूब ख्याल रखिएगा जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें